जी बिल्कुल, ये मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शजाद की परवेज इलाही से मुलाकात हुई है और मुलाकात तकरीबन आधा घंटा तक कैंप जेल लाहौर में जारी रही है। और चौधरी शजाद परवेज इलाही से मुलाकात करने जेल जब पहुंचे तो उस दौरान रूटीन के बायस उनकी जो रूटीन जो होती उसके मुताबिक उसकी मुलाकात करवाई गई है। परवेज इलाही की चौधरी शजाद से मुलाकात उसके बाद जो आला अफसरान थे आईजी जेल खाना जहाज वो भी वहां पर मौजूद थे, लेकिन चौधरी शजात और परवेज इलाही की मुलाकात की तस्दीक भी की है और अहम जो सियासत के हवाले से वो बातचीत भी उन्होंने की है। और आधा घंटे का क्योंकि टाइम दिया गया था आला अफसरान की तरफ से कि भाई आधे घंटे में ये मुलाकात करवानी चाहिए, आधा घंटे के बाद चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात के बाद चौधरी शजात साहब वहां से रवाना हो गए। जी के अंदर यही हुआ है कि पार्टीज ने, सिर्फ एक पार्टी नहीं तकरीबन तमाम पार्टीज ने एतराजात उठाए और यही हम बार बार कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो जब तक ऐसा माहौल नहीं पैदा करता कि तमाम पार्टीज को उस पर एतमाद हो और उनके ज़रिए सारी कौम को एतमाद हो तो पाकिस्तान में जो पहले के इलेक्शन के बाद मसाइल आप देखते रहे वही आइंदा भी आप देखते रहेंगे। इलेक्शन होगा उसके बाद लोग कहेंगे गलत हो गया, धांधली हुई। पीटीआई की टिकट पे इलेक्शन लड़ेंगे या किसी और पार्टी के टिकट मिलेगा तो जरूर लड़ेंगे। ठीक है भैया।